सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल तुषार जैन को और बेल आइकन को दबाइए जैन धर्म से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स व खबरें सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आपने बाहुबली मूवी जरूर देखी होगी जिसका दूसरा पार्ट बॉलीवुड मूवीज में सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बनी है। लेकिन दोस्तों क्या आप असल बाहुबली के जीवन के बारे में जानते हैं? तो दोस्तों बाहुबली के जीवन के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मेरी वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार जैन और आप देख रहे हैं बाहुबली के वास्तविक जीवन की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बाहुबली जैन समाज के लोगों के बीच आदरणीय नाम है। बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के और सुनंदा के बेटे थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक साल तक पैर पर खड़े होकर स्थिर तपस्या की थी और उस समय में उनके आसपास बहुत सारे घने पेड़ भी उग गए थे। बहुत तपस्या के बाद उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था और वह कैलाश पर्वत पर मोक्ष सितार गए थे। जैन बाहुबली को सिद्ध मानते हैं। गोमटेश्वर की मूर्ति उन्हें समर्पित होने के कारण उन्हें गोमटेश भी कहा जाता है। वह गोमटेश्वर की मूर्ति कर्नाटक राज्य के हसन जिले में श्रवणबेलगोला की एक पहाड़ी पर स्थित है। यह मूर्ति 57 फीट मतलब करीब 17 मीटर ऊंची है और यह मूर्ति एक ही पत्थर से बनाई गई है। यह मूर्ति करीब 981 एडी में बनाई गई थी और यह मूर्ति पूरे विश्व में बनाई गई मुक्त मूर्तियों में सबसे ऊंची है। नवी शताब्दी में जिनसेन द्वारा रचित संस्कृत काव्य आदि पुराण के अनुसार अयोध्या में इक्ष्वाकु साम्राज्य के समय में भगवान ऋषभदेव और सुनंदा को बेटा हुआ था जिसका नाम उन्होंने बाहुबली रखा। बाहुबली बचपन से ही तीरंदाजी औषधि व रत्नों के ज्ञान में निपुण थे। बाहुबली का एक बेटा भी था जिसका नाम सोमकीर्ति था। भगवान ऋषभदेव जैन संत बनने चले तब उन्होंने अपना राज 100 बेटों में बांट दिया। बाहुबली को अस्मक राज्य मिला और भरत को अयोध्या मिली। जब भरत 6 दिशाओं में जीतकर अयोध्या को जीतने पहुंचा तो उनका चक्र रत्न अयोध्या नगरी के द्वार पर ही रुक गया। इसका कारण था कि भरत के 99 भाइयों ने उनकी अधीनता नहीं स्वीकारी थी। उसके बाद बाहुबली के अलावा 98 भाइयों ने दीक्षा ले ली और अपना राज्य भरत को सौंप दिया। परंतु बाहुबली ने भरत को युद्ध की चुनौती दे दी। सैनिक युद्ध ना हो इसलिए मंत्रियों ने 3 युद्ध सुझाए। पहला दृष्टि युद्ध, दूसरा जल युद्ध और तीसरा मल युद्ध। बाहुबली ने तीनों युद्ध जीते। फिर जैसे ही बाहुबली ने भरत को मारने के लिए अपना हाथ उठाया तभी उन्हें ख्याल आया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अपने बड़े भाई को ही मारने जा रहा हूँ। अब चूंकि उनका हाथ उठ चुका था और उस हाथ से कुछ कार्य होना जरूरी था तो उन्होंने उसी समय अपने केस त्याग कर दिए और साधु बन गए। उसके बाद एक साल तक कायोत्सर्ग अवस्था में खड़े रहकर तपस्या करते रहे। कहा जाता है कि उस तपस्या के समय में उनके पैरों के आसपास घने पेड़ उग गए थे लेकिन वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि उनके मन में था कि उन्होंने अपने भाई से युद्ध किया और यह कारण ही उनकी तपस्या को भंग कर रहा था। फिर भरत ने उनके पास आके उनकी पूजा की तभी बाहुबली के मन की इस परेशानी का भी निवारण हो गया और तभी उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और वे केवली कहलाए। कहा जाता है कि वे इस अवसर पीढ़ी के पहले साधु थे जिन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। बाहुबली को गोमटेश भी कहा जाता है। इनका यह नाम श्रवणबेलगोला में स्थित गोमटेश्वर की मूर्ति के कारण पड़ा। यह मूर्ति 57 फीट ऊंची है। प्राचीन काल में यह स्थान जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। यह मूर्ति 1000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। यह मूर्ति ग्रेनाइट की एक ही चट्टान से बनाई गई है। हर 12 साल में इस मूर्ति का महाभिषेक होता है जिसमें कई सारे जैन श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। इस मूर्ति को घी, दूध, दही, केसर और सोने के सिक्कों से नहलाया जाता है और अभिषेक किया जाता है। कहा जाता है कि गोमटेश्वर मूर्ति चमत्कार और साधुत्व की प्रतीक है और जिस व्यक्ति को इस मूर्ति का अभिषेक करने का सौभाग्य मिलता है उसका हमेशा कल्याण होता है। वह उसे तुरंत ही चमत्कारी प्रभाव दिखने लगता है। धन्यवाद दोस्तों आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।